अगर आपका दूध गर्मी के कारण अगर फट जा रहा है तो उसको कैसे यूज करना है और उसको फेंके नहीं, बहुत ही फटे हुए दूध से बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी आज हम आपके साथ रसगुल्ले की वीडियो शेयर कर रही हूँ और जो बहुत ही इजीली घर पे आसानी से आप बना सकते हो। तो ये देखिए, गर्मी की वजह से हमारा दूध जो है फट गया था, 1 लीटर दूध है ये, तो इसको हमने रख दिया था, फट गया था तो इसको हमने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया। इसमें हमने विनेगर वगैरह कुछ भी नींबू नहीं निचोड़ा था। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको एक छन्नी नीचे एक बड़ा बर्तन रखेंगे, छन्नी है उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखेंगे और अच्छे से हम छान लेंगे इसको। इसके ऊपर हम थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे तो जो है थोड़ा हमारा जो छेना है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इससे बहुत ही अच्छा मुलायम और सॉफ्ट बनेगा, हार्ड नहीं होगा ये ज़्यादा। तो इसको हम अच्छे से लपेट लेंगे, इसे हाथ से इसको घुमा के अच्छे से इसका जो पानी है एक्स्ट्रा हम इसको निचोड़ लेंगे। इसे दबा दबा के अच्छे से इसको हम निचोड़ेंगे। देखिए इस तरह से इसका जो पानी है इसको हम निचोड़ निचोड़ के निकाल लेंगे। और ये जो छेना का पानी है ये फेंके नहीं, इसको आप रख दें। इसका आटा लगा के आप पराठा रोटी कुछ भी बनाए, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको अब हम साइड में रख देंगे। एक इसको हम दबा के हमने 1 घंटे के लिए रख दिया था। तो देखिए हमारा इतना परफेक्ट छेना बन के तैयार हुआ है। अब इसको हाथ से हम क्रम्बल कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसको हमने अच्छे से क्रम्बल कर लिया है। अब हम इसको हाथ से अच्छे से हम मसल मसल के इस वाले पार्ट से हम इसको अच्छे से इसको हम 10 मिनट तक अच्छे से मसलेंगे ताकि एकदम मुलायम है, इसमें कोई लम्स वगैरह गुठली ना रहे। आप अगर आपका दूध अगर सही है, आपको छेना बनाना है, तो आप 1 लीटर दूध में आप 2 से 3 चम्मच विनेगर डाल के फाड़ सकते हैं। दूध पहले उबाल ले, 1 उबाल आने के बाद गैस बंद कर दे, फिर उसमें आप जो है विनेगर डालें। देखिए हमने इसे मसल मसल के हमने इसको 5 से 7 मिनट हो गया मसलते हुए। देखिए अब पहले से देखिए कितना मुलायम कितना सॉफ्ट लग रहा है। देखिए अब इसमें से घी निकलने लग गया है, जो हमारा छेना है अच्छा मुलायम सॉफ्ट हो गया है। देखिए इसमें कोई गुठली वगैरह क्रैक्स नहीं दिख रहा है। इसमें अब हम बाइंडिंग के लिए इसमें 2 छोटे चम्मच हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर के जगह आप आरारोट या मैदा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको एकदम सॉफ्टली हम इसको मसलेंगे, इसको ज़्यादा हम रगड़ के नहीं मसलेंगे। तो देखिए हमारा जो है छेना अच्छे से मसल चुका है, अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके हम बोल्स अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसा आप बनाना चाहे बना सकते हैं। तो मैं इतना बड़ा बड़ा बना रही हूँ, जैसा मार्केट में मिठाई की दुकान पे हलवाई लोग बनाते हैं उतना बड़ा बड़ा मैं बना रही हूँ। देखिए इस तरह से सभी छेना को हमने बना लिया रसगुल्ले को। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 1 कटोरी हम चीनी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने चीनी लिया है उसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी डालेंगे। देखिए हमने 4 कटोरी पानी डाल दिया। अब गैस को ऑन कर देंगे हम, चीनी को अच्छे से हम घुलने तक चलाते हुए इसको हम 1 उबाल आने देंगे। इसमें हमने इलायची कूट के डाल दिया है, आप चाहे तो इसके जगह केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो देखिए चाशनी में उबाल आने लग गया है। आप मेरी तरह से फॉलो करके आप बनाएंगे तो एक ही बार में आप बहुत ही अच्छा परफेक्ट रसगुल्ला बना लेंगी।
तो देखिए हमने पहले जो छोटा सा रसगुल्ला बनाया था हमने वो डाला है, एक एक करके हमें डालना है, एक साथ हमें नहीं डालना है, नहीं तो जो है हमारा जो चाशनी है ठंडी पड़ जाएगी, तो चाशनी को ठंडा बिल्कुल नहीं पड़ना है। एक एक करके डालते सारे रसगुल्ले को, तो देखिए इसमें उबाल बरकरार रहना चाहिए। इसी तरह हमने एक एक करके सारे छेने को हमने डाल दिया है। अब इसको खुले में ही हम 5 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको ढकेंगे नहीं। अब गैस को हम हाई फ्लेम पे रखेंगे। तो देखिए इसको 5 मिनट हो चुके हैं, तो इसको हम एक बार पलटे की मदद से उल्टा करके हम इसको ऊपर नीचे कर देंगे और इसको हम कवर करेंगे, तो पूरा एकदम कवर नहीं करेंगे, थोड़ा हम खोल देंगे इस तरह से, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। इसको हमने 20 मिनट तक लगातार इसको हमें पकाना है, तो इस तरह से हम पका लेंगे। इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, तो हमारा ये पक के 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए अभी चाशनी भी पहले से कम हो गई और झाग बराबर आ रहा है, तो हमारा जो है 99% कुक हो गया है रसगुल्ला। इसको थोड़ा और हम पकाएंगे, ऐसे ही खुले में रख के अच्छे से हम पकाएंगे। देखिए इस तरह से झाग दिख रहा है, झाग जब खूब आने लगे तो समझ लेना कि छेना हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इधर हमने बर्फ़ का पानी लिया है, अब हम एक एक छेना जो है हम बर्फ़ वाले पानी में हम डालेंगे, ठंडे पानी में। इससे जो है हमारा छेना बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। अब गर्म गर्म रहेगा चाशनी में तो जो है बिखरने का डर रहता है, तो हम इसको 5 से 10 मिनट हम बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो एक एक छेना करके हम डाल देंगे बर्फ़ वाले पानी में। देखिए नीचे बैठ गया, तो समझिए कि छेना हमारा तैयार है, एकदम परफेक्ट बना है। इसको कवर करके हमने 10 मिनट के लिए रखा था, देखिए कितना स्पॉन्जी है। देखिए मैं दबा के दिखा रही हूँ, देखो दबाने पर भी एकदम आराम से फूल जा रहा है, दब के ऊपर आ जा रहा, रुई जैसा सॉफ्ट बना है। अब हम जो है इसको इसका जो है हम पानी हाथ से निचोड़ निचोड़ के हम पानी निकाल देंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से हम हाथ से दबा के इसका पानी निचोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा पानी जो है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में रख देंगे। इसी तरह हम सारे रसगुल्ले को निकाल लेंगे। देखिए हमने सारे रसगुल्लों को निकाल लिया है। अब इसमें हमने जिस चाशनी में हमने पकाया था वही वाला चाशनी हमने, क्योंकि एक कम मीठा रहता है, तो इसको हम वापस हम वही वाला जो है चाशनी हमारा है वही हम डाल देंगे इसमें। अब इसको हम 1 से 2 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे, वापस से कवर करके इसको हम रख देंगे 1-2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे बाद देखिए हमने निकाला है, अलग बर्तन में हमने लिया है। इसको खाए आप, सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी स्पंजी रसगुल्ला आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। और दूध अगर फट जाए गर्मी के कारण तो फेंके नहीं, उसको आप ज़रूर यूज करें।